Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalam-o-Alaikum students. Today we are going to start lecture number 10, Biology, F.Sc part 1. Our discussion topic from chapter 12, that is digestion in small intestine. जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेशन इन ओरल कैविटी और स्टोमिक को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चे आपको बताया वो पार्ट है जो कि आपके स्टोमिक के बाद जो है वो स्टार्ट होता है. स्टोमिक का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्चर कहते हैं या पाइलोरिक रीजन का नेम देते हैं. तो पाइलोरिक रीजन के बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डाइजेशन मोस्टली जो है वो कम्प्लीट होती है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चे हमारे पास डिफरेंट पार्ट हैं. सबसे पहला जो उसके अंदर पार्ट आता है वो है ड्यूडिनम, देन जूजिनम और लास्ट में हमारे पास है ईलियम. ये तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कि आपकी डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्यूडिनम क्या होती है और ड्यूडिनम के अंदर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है. तो ड्यूडिनम बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसकी जो लेंथ होती है वो 22-25 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, तो हर नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ड्यूडिनम की बच्चे लेंथ है वो इतनी होती है. ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ड्यूडिनम की लेंथ कितनी होती है, तो वो 22-25 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, अब बच्चे देखिए कि आपको पता है कि आपकी जो फूड है वो आपके स्टोमिक के अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्रेशन के साथ मिक्स हो गई थी, जिसको हमने एक डिफरेंट नेम दिया था काइम. अब ये जो काइम है ये मूव करता हुआ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम के पास आ जाता है. अब बच्चे जो बाकी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्रेशंस होती हैं जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं. अब वो सेक्रेशंस कौन रिलीज़ कर रहा होता है, आपको पता है कि बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो जो है इसके साथ जो हैं वो तीन पार्ट जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं. एक पेंक्रियाज होते हैं, लीवर होते हैं और गॉल ब्लैडर होता है जो कि आपकी ड्यूरिनम के साथ अटैच होता है. इनके अंदर बच्चे डिफरेंट सेक्रेशंस होती हैं और डिफरेंट सेक्रेशन जो होती है वो आपके फूड के साथ मिक्स होकर डाइजेशन में जो है वो रोल प्ले करती है. अब बच्चे देखें कि अगर हम स्टोमिक के अंदर और आपकी ओरल कैविटी के हिसाब से देखें तो जो मैक्सिमम डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. तो ये भी बच्चे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मैक्सिमम डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. आप देखिए कि बच्चे इसके अंदर जो हैं वो डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं जो कि इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं. ड्यूटिनम के अंदर जो सेक्रेशंस हो रही होती हैं उनको जो है हॉर्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं. अब हमने बात की कि इनके अंदर जो है वो लीवर की सेक्रेशंस होती हैं, इनके अंदर पैंक्रियाज की जो है वो सेक्रेशंस होती हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. हिपैटिक एंड पैंक्रियाटिक. हिपैटिक बच्चे आपको पता है कि लीवर से रिलेटेड है, ये लीवर से सेक्रेशन होती हैं, इस वजह से हम इसको हिपैटिक सेक्रेशन कहते हैं. और जो पैंक्रियाज से होती हैं उनको हम पैंक्रियाटिक सेक्रेशन का नेम देते हैं. अब बच्चे इनके अंदर भी जो सेक्रेशन होती हैं या डिफरेंट जो है हमारे पास मटीरियल रिलीज हो रहा होता है, इनको भी स्टिमुलेट करने के लिए एक हॉर्मोन होता है जो कि सेक्रेशन कहलाता है. ठीक है, तो ये अपने बात याद रखनी है कि जो पैंक्रियाज और जो आपके लीवर्स होती हैं इनके अंदर जो सेक्रेशन हो रही होती हैं इनको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास हार्मोन होता है जिनको हम सेक्रेटिन कहते हैं. और सेक्रेटिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसका जो बच्चे म्यूकोसा पोर्शन होता है, उस म्यूकोसा पोर्शन के अंदर जब जो है वो फूड इंटर होने लगती है आपके स्टोमिक के अंदर, तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम सेक्रेटिन कहते हैं. मीन्स जैसे ही फूड आपकी जो है वो काइम की फॉर्म से स्टोमिक से आपकी ड्यूडिनम के अंदर आएगी, तो आपकी जो म्यूकोसा होगी इंटेस्टाइन की उसके अंदर से एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जिसको हम सेक्रेटिन कहते हैं. और सेक्रेटिन जाके आपके लीवर और आपके पैंक्रियाज को जो है वो स्टिमुलेट करता है कि वो सेक्रेशन दें और उस सेक्रेशन के साथ जो है वो आपकी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके. अब देखिएगा बच्चे इसके अंदर प्रोसेस देखिएगा कि स्टोमिक के अंदर क्या हुआ था, कि स्टोमिक ने रिलीज़ किया एसिड और एसिड जो है वो आपकी फूड के अंदर इंटर हो गया जो कि काइम बन गया. उसके बाद जो है ये एसिड जो है वो मूव करता किसके पास चला जाता है, ड्यूडिनम के पास चला जाता है. अब ड्यूडिनम क्या करता है कि सेक्रेटिन जो है वो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है बाय द सेल्स इन ड्यूडिनम सेल्स, मतलब ड्यूडिनम के सेल्स जो होते हैं जैसे ही फूड इसके अंदर स्टोमिक से आती है तो ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको हम सेक्रेटिन कहते हैं.
अब सेक्रीटन का काम क्या होगा कि ये स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियाज को, क्यों करेगा, ताकि वो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट जो है वो रिलीज़ करे, उनके अंदर से जो है वो सेक्रीशन ऐड करे, ताकि आपकी जो फूड होती है वो मज़ीद डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। इसके अलावा बच्चे सेक्रीटन का ये काम होता है कि जो गैस्ट्रिक सेक्रीशन हो रही होती हैं, मतलब जो आपके स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो जूस प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उनको भी इनहिबिट कर देते हैं कि अब उनका काम ख़त्म हो चुका है, तो अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है जो कि डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करेगा। उसके बाद बच्चे हमारा हमने बात की कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन होते हैं जो कि सेक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो पैंक्रियाज हैं उनके अंदर सेक्रीशंस किस किस्म की होती है और कैसी होती है। पैंक्रियाज बच्चे हमारे पास एक्सोक्राइन टिश्यू है। आपके पास बच्चे दो तरह के सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। अब एक्सोक्राइन के अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्रीशंस हो रही होती हैं, तो जो पैंक्रियाज हमारे पास ऑर्गन है उसके अंदर जो है एक जो है हमारे पास एक एक्सोक्राइन टिश्यू है जो कि बच्चे सिक्रीज करता है जूस को, ठीक है, जिसको हम पैंक्रियाटिक जूस का नेम देते हैं क्योंकि पैंक्रियाज से होता है, तो इसी वजह से हम इस जूस को नाम क्या देते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। और क्या करता है कि वो आपकी जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, मतलब वो डक्ट जो कि आपके ड्यूडिनम के साथ अटैच होती है, पैंक्रियाज की डक्ट जो कि आपके ड्यूडिनम के साथ अटैच होती है, वहाँ से ये मूव करता हुआ कहाँ आ जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम के पास आ जाता है, ठीक है। और ये बच्चे हमारे पास जो एक्सोक्राइन जो है या पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड होता है ये पिंकिश लार्ज ग्लैंड होता है, ठीक है, पिंक कलर का होता है और लार्ज ग्लैंड होता है जहाँ से सेक्रीशंस हो रही होती हैं। अब जो बच्चे हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, इनकी हम कंपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं किसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने बात की कि इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बच्चे इनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट जो हैं वो मौजूद होते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है कि ये आपकी जो फूड है कायम की फॉर्म में उसको बच्चे न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अब आपने देखा था कि स्टोमिक के अंदर आपने फूड को एसिडिक मीडिया प्रोवाइड किया था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एसिडिक मीडियम के अंदर नहीं होता जब तक उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, मतलब उसको ना तो बेस बनाया जाता है ना ही उसको एसिडिक बनाया जाता है, बल्कि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है ताकि उसको ईजिली डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। तो वो कौन कर रहा होता है, जो आपके पैंक्रियाटिक जूस होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं और वो उसको क्या कर देते हैं, कायम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस होता है ये डाइजेस्ट कर देते हैं ऑल टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। अब देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्ट स्टमक के अंदर नहीं हुई थी वो भी आके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है वो भी इसके अंदर ही डाइजेस्ट होंगे, और आपके लिपिड्स वगैरह हैं, आपके फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वो सारे बच्चे जितनी टाइप्स की फूड होती हैं वो आपकी कहाँ जो है डाइजेस्ट हो रही होती हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है, और ड्यूटिनम के अंदर। इसके अंदर बच्चे हम देख लेते हैं कि पैंक्रियाज के अंदर जो है वो डिफरेंट एंजाइम कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि एक कार्बोहाइड्रेट जो है इनको तोड़ने के लिए जो है एंजाइम होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और उसके कहाँ से ये रिलीज होता है, ये आपके पैंक्रियाज जो होते हैं उनके अंदर से ये रिलीज होता है। इस एंजाइम को बच्चे हम अमाइलोपेक्सिन भी कहते हैं, अमाइलोपेक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एंजाइम होता है ये क्या करता है, आपकी स्टार्च को ब्रेक करता है, जो स्टार्च एक हमारे पास शुगर है इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर, और माल्टोज आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है, और लाइपेज के एंजाइम से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आपके लिपिड्स को तोड़ने के लिए होता है। तो अब जो हमारे पास लाइपेज होता है, ठीक है, ये आपकी जो फैट्स होती हैं और आपकी जो फैटी एसिड्स होती हैं उनको जो है ब्रेक करता है, और ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि ये एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर एंजाइम होता है जिसको हम ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं, और ये हमारे पास जो एंजाइम होता है ये बच्चे इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है, जैसे आप लोगों ने स्टोमिक के अंदर डिस्कस किया था पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो था वो इनएक्टिव फॉर्म थी किसकी, पेप्सिन की। तो ट्रिप्सिन की जो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है वो हमारे पास है ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। इसको बच्चे एक्टिवेट करने के लिए या इसको ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक हमारे पास एंजाइम होता है जो कि आपकी ड्यूडिनम रिलीज करती है, इसको हम एंटीरियो काइनेज कहते हैं। ये ड्यूडिनम के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। अब ये बच्चे हमारे पास एक नेसेसरी जो हमारे पास एंजाइम होता है जो कि क्या करता है
कि वो आपकी एसटी कंडीशन के अंदर जो है ये वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये कब वर्क करेगा, जब इसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है बाय द जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। वो जो हमारे पास साल्ट बनता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, तब ये ट्रिप्सिन जो इंजाइम है वो वर्क करता है। अब ये बच्चे जो ट्रिप्सिन इंजाइम होता है ये आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और प्रोटीन जो आपकी स्टोमिक के अंदर नहीं तोड़ी गई थी वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है उसको ब्रेक किया जाएगा, और ब्रेक करके उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि उसको ईजिली डाइजेस्ट किया जा सके। उसके बाद बच्चे इसके अंदर जो हमारे पास दूसरा बड़ा आर्गन आ जाता है वो है लीवर। हमने पहले डिस्कस किया कि पैंक्रियाज के अंदर सेक्रीशंस कैसी होती हैं और कैसे आपकी फूड डाइजेस्ट होती है। अब हमने डिस्कस करना है कि आपके लीवर के अंदर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। और लीवर के बारे में बच्चे आप जानते हैं कि ये आपकी बॉडी का जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर से सेक्रीशंस होती हैं बाइल की, ठीक है। बाइल जो है ये सेक्रीट होता है जो कि आपकी फैट्स को जो है इमल्सीफाई करता है, फैट्स को तोड़ता है, ठीक है। अब जो हमारे पास इसके अंदर लीवर के अंदर बाइल सेक्रीट होती है, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए आपका जो गॉल ब्लैडर होता है जिसको हमने पित्ता का नाम दिया था, ठीक है, उस पित्ते के अंदर जो है ये थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है। जैसे ही बच्चे ड्यूडिनम के अंदर जो है वो फूड आ जाती है और फूड को जो है वो तोड़ने के लिए आपकी जो बाइल लीवर सेक्रीट कर रहा होता है वो गॉल ब्लैडर से होते हुए कहाँ आ जाती है, आपकी ड्यूडिनम के पास आ जाती है, और किसके थ्रू आती है, बाइल डक्ट के थ्रू। इनके दरम्यान में एक नाली बनी होती है और वो नाली के थ्रू जो है वो ड्यूडिनम के अंदर रिलीज हो जाती है। हम बच्चे हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाइल क्या होती है। बाइल जो होती है ये ग्रीन कलर का वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। अब बच्चे हमने बात की कि ये ग्रीन कलर का जो है ये हमारे पास फ्लूइड होता है और वाटरी होता है, मतलब लिक्विड होता है, इसके अंदर एंजाइम जो है वो मौजूद नहीं होते। तो ये ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो लीवर है वो आपका खून भी बना रहा होता है, तो जब खून के अंदर हीमोग्लोबिन टूटती है तो हीमोग्लोबिन के कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाइल के अंदर जमा हो जाते हैं, और उसकी वजह से बाइल का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। यहाँ बच्चे इस डायग्राम के अंदर आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास ग्लैंड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हमने ड्यूडिनम का नाम दिया था। ड्यूडिनम के साथ हमारे पास क्या होते हैं, पैंक्रियाज होती हैं जिनके अंदर पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं और रिलीज होकर ड्यूडिनम के पास चले जाते हैं, ठीक है। आप देखिए कि इनके दरमियान में एक आपको ग्रीन कलर की तिल्ली सी नज़र आ रही है, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो लीवर अटैच है, ठीक है। अब लीवर के अंदर क्या बनती है, बाइल बनती है, और बाइल जो है वो रिलीज होती है, पहले गॉल ब्लैडर के अंदर आती है और गॉल ब्लैडर के अंदर से कहाँ चली जाती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, जहाँ जो है वो आपकी कायम फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए कि इसका जो हमारे पास ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, बाइल पिगमेंट्स की वजह से है। बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, जब हीमोग्लोबिन टूटेगी तो उसके जो कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो इस बाइल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। अब बाइल पिगमेंट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन लीवर। अब बाइल पिगमेंट कैसे बनते हैं, जब लीवर के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन होती है वो टूटती है, उसके नतीजे में बाइल पिगमेंट्स बनती हैं। बाइल के अंदर बच्चे हमारे पास क्या होती हैं, साल्ट्स होते हैं जो कि आपकी फैट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और फैट की इमल्सीफिकेशन करते हैं। और इमल्सीफिकेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, ये बच्चे ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके अंदर जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब ये इमल्सीफिकेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि फैट जो है वो ब्रेक होगी और ब्रेक होकर छोटे छोटे ग्लोबुल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो ग्लोबुल्स के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको बच्चे ईजिली डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। और डाइजेस्ट किस तरह किया जाएगा कि इसके अंदर जो है आपका एक एंजाइम भी रिलीज हो रहा होगा, ये बाइल के अंदर नहीं रिलीज हो रहा होगा, ये आपकी ड्यूडिनम के अंदर रिलीज हो रहा होगा, जो कि लाइपेज की हेल्प से क्या होगा कि इसको छोटे छोटे ग्लोबुल्स के अंदर कन्वर्ट करके इसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है जॉइंट्स। अब जॉइंट्स हमारे पास क्या होती है, इसको बच्चे यरकान कहते हैं। अब देखें कि अगर किसी भी फैक्टर की वजह से बाइल पिगमेंट जो हैं वो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर या आपकी ड्यूडिनम के अंदर इंटर नहीं हो सकते, या आपके जो बाइल होती है वो आपके लीवर के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाए ब्लड के अंदर, तो वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है, तो उसकी वजह से बच्चे एक डिजीज़ कॉज होती है जिसको हम जॉइंट्स कहते हैं या यरकान कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग डाइजेस्टिव ट्रैक, कि वो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक के जो है वो उसको नहीं भेजा जाता, ठीक है, और बाइल जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाती है आपके ब्लड के अंदर।
और जब वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से एक डिज़ीज़ कॉज होती है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक और डिज़ीज़ कॉज होती है जिसको हम गॉल स्टोन कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपके पित्ते के अंदर जो है वो पथरियाँ बन जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं या इस डिज़ीज़ को हम क्या बोलते हैं, गॉल स्टोन्स, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पित्ते में जो है वो पथरी बन गई है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्यों बनती है। आप देखें कि बच्चे जो लीवर है वो एट अ टाइम बहुत से फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है, तो लीवर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी सिक्रीट होता है, ठीक है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है जब ये आपके गाल ब्लैडर के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, तो ये बच्चे अकमुलेट होकर जो है वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गाल स्टोन्स, ठीक है। गॉल स्टोन ब्लॉक द रिलीज ऑफ बाइल। अब देखिए कि जब कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, वो कमोलेट हो जाएगा आपकी गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो वो जब स्टोन बन जाएगा तो वहाँ से जो चीज़ चीज़ की रिलीज हो रही थी, ठीक है, वहाँ से सेक्रीशंस हो रही थी, बाइल मूव कर रहा था, तो बाइल जब मूव नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसकी वजह से आपका जितना भी डाइजेस्टिव का सिस्टम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी ये वाली जो आपको नज़र आ रही है तीली, जो कि हमारे बस गाल ब्लैडर है, इसके अंदर किस चीज़ की एकुमुलेशन हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल की हो चुकी है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से इसके अंदर स्टोन बन गया है, ठीक है, जिसको हमने नाम किस चीज़ का दिया है, गाल स्टोन का, ठीक है। आप देखिए कि आपके जो लीवर है इनके अंदर से जब सिक्रीशंस हो रही होती हैं तो इसके थ्रू जा रही होती हैं, तो जब इसके अंदर ये ब्लॉक इसको कर दिया जाएगा, इस नाली को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आपकी बाइल जो है वो इसलिए आपके ड्यूडिनम के अंदर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, डी फॉर रिमूवल एंड टॉक्सी मीन टॉक्सिन। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं उनको लेस टॉक्सिक के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम भी कौन कर रहा होता है, लीवर। आप देखेंगे बच्चे लीवर के कितने ज़्यादा काम है, ठीक है, इनको आपने वन बाय वन जो है वो अच्छे से स्टडी करना है। अब लीवर क्या करता है कि आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे अमोनिया है, आप देखेंगे बच्चे जब प्रोटीन टूटती है तो प्रोटीन के टूटने के नतीजे में एक हमारे पास सब्सटेंस होता है जो कि अमोनिया रिलीज होता है, और अमोनिया जो है ये बहुत टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसको बच्चे आपकी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो इस वजह से इसको लेस टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और उनको कौन कन्वर्ट करता है, आपका लीवर। अमोनिया विच इज़ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड, के प्रोटीन टूटती है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड की जो है वो टूटने की वजह से अमोनिया रिलीज होता है, तो अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसको बच्चे लेस टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, और लेस टॉक्सिक कंपाउंड हमारे पास कौन है, यूरिया। फिर यूरिया को आपकी किडनी के थ्रू जो है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको आपने यूरिन कहते हैं, तो वो यूरिया की फॉर्म में होता है, और यूरिया में कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, उसको कन्वर्ट कर रहा होता है लीवर। वैसे वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होते हैं, लेकिन अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास लीवर इनलार्जमेंट एंड डैमेज। अब देखिए कि लीवर जो है वो एट अ टाइम इतने ज़्यादा फंक्शन प्ले कर रहा होता है, तो जब इसके ऊपर कोई भी फैक्टर अफेक्ट करता है तो उसकी वजह से लीवर जो है वो आपका इनलार्ज हो जाता है, लीवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जितने भी फंक्शन कर रहा होता है वो बच्चे सारे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। द लीवर इजीली रैप्चर्ड बिकॉज इट लार्ज फिक्स्ड इन पोजिशन। अब लीवर क्या करता है कि जो है वो किसी फैक्टर की वजह से क्या होता है कि ये टूट जाता है, और टूटने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, और वीक होके क्या करता है, छोटे छोटे जो है वो पीस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उनकी वजह से क्या होता है कि जितने भी फंक्शन दो रहे होते हैं वो सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। द लीवर इज़ ईजिली रेप्चर्ड बिकॉज इट इज़ लार्ज, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, फिक्स इन पोजिशन, एक जगह पर फिक्स होता है, फिर जाहिर वीक हो जाता है, आर इट मे लैक्रेट। लैक्रेट का क्या मतलब है यहाँ कि ये जब कोई रिब वगैरह, ठीक है, टूटती है आपकी, जब पसलियाँ वगैरह जब टूट जाती हैं तो उसकी वजह से ब्रेक डाउन होती है, और उस ब्रेक डाउन की वजह से आपके लीवर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लीवर रप्चर एंड लैक्रेशन मे रिजल्ट इन सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग। अब देखिए कि जब आपका लीवर रप्चर कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, या लैक्रेशन हो जाती है उसकी, तो उसके अंदर से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, ब्लड बनाना, ठीक है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, वो बाहर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस होगी, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है वो डिजीज कॉज हो सकती हैं, ठीक है।
इसके बच्चे हम कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं कि लीवर इनलार्जमेंट के हमारे पास कॉजेज कौन कौन से हैं। तो हार्ट मॉल फंक्शनिंग, जब आपका हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता तब जो है ये लीवर इनलार्जमेंट हो सकती है, या लीवर का कोई ना कोई डिजीज आपको कॉज हो सकता है। इसके अलावा हीपेटिक कैंसर, ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ अकमुलेट होना शुरू हो जाए, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए सेल्स की, तो इसकी वजह से कैंसर कॉज हो जाता है, हो सकता है, तो लीवर फंक्शन करना छोड़ देता है। इसके अलावा बच्चे हेपाटाइटिस हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होती है, अल्कोहल वगैरह आपने कोई यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल कर लिया है, तो तब भी आपके लीवर के ऊपर जो है वो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है जुजिनम। अब देखिए कि आपकी फूड जो है वो ड्यूडिनम से कहाँ आ चुकी है, आपकी जुजिनम के अंदर आ चुकी है। तो जुजिनम जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये सेकंड पोर्शन है और सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और ये ड्यूडिनम से एक्सटेंड होता हुआ कहाँ जाता है, ईलियम के पास आता है, ठीक है। मतलब पहले ड्यूडिनम है, फिर आपकी जुजिनम है, जुजिनम के पास आपकी ईलियम है, ठीक है। इसकी वजह जो लेंथ होती है वो हमारे पास 2 to 4 meters इन लेंथ होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है 2/5, मतलब पांचवें हिस्से में से 2 हिस्से जो हैं वो आपकी जुजिनम के हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बच्चे कंप्लीटली जो है वो डाइजेशन हो जाती है, किस चीज़ की, आपकी फूड की, ठीक है। तो ये आपने भी हमसे कुछ याद रखना है कि फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन जुजिनम, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बच्चे प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का होता है और एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस होता है वो आपकी ईलियम के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ बच्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ये आपका स्टोमिक का पोर्शन है, स्टोमिक के बिल्कुल जो एंड यहाँ से हो रहा है वहाँ से आपका जो पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है वो ड्यूडिनम है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका पोर्शन जो आपको स्टार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जुजिनम है, और लास्ट वाला जो पोर्शन है इसका ये वाला, ठीक है, ये आपकी ईलियम कहलाती है, ठीक है। तो ड्यूडिनम से आपकी फूड कहाँ आ चुकी है, जुजिनम के अंदर आ चुकी है। अब बच्चे जो हमारे पास जुजिनम होती हैं इनके अंदर डिफरेंट इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मजीद डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बच्चे जो इसके अंदर इंजाइम है वो हमारे पास है अमाइनोपेप्टाइडेज, ठीक है, अमाइनोपेप्टाइडेज है, ठीक है। और ये किसकी वजह से बनता है, पॉलीपेप्टाइड्स की वजह से, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड जो है हमारे पास इसके अंदर जो जुजिनम है इसके अंदर इसकी रिलीज होती है, ठीक है, सेक्रीशंस होती हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करता है और पॉलीपेप्टाइड्स को चेंज कर देता है डाइपेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। अब डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए बच्चे एक और एंजाइम होता है जिसको हम अरिप्सन कहते हैं, और अरिप्सन क्या करता है, आपकी डाइपेप्टाइड्स को चेंज कर देता है अमीनो एसिड। आप देखिएगा बच्चे सिंपल फॉर्म पॉलीपेप्टाइड की डाइपेप्टाइड है, और डाइपेप्टाइड को सिंपल और किया जाए तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमीनो एसिड्स के अंदर, और अमीनो एसिड्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो अरिप्सन की वजह से होते हैं, ठीक है। आप देखिए कि जब अमीनो एसिड है वो टूटते हैं तो उसकी वजह से अमोनिया रिलीज होता है और उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो आप अपने बॉडी के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर जुजिनम के अंदर एक और एंजाइम होता है जो कि लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एक्ट करता है आपकी फैट्स के ऊपर, और फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम होता है माल्टेज। माल्टेज जो है वो एक्ट करता है आपकी कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर माल्टोज के ऊपर, और माल्टोज आपकी कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और ग्लूकोज भी आपकी बॉडी का पार्ट बन के एनर्जी रिलीज करती है। इसके अलावा बच्चे आपकी बॉडी के अंदर जो आपके जुजिनम है उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम होता है, और लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है, और लैक्टोज जो हमारे पास वो मटेरियल होता है जो कि अक्सर आप मिल्क वगैरह या मिल्क से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसको बच्चे तोड़ने के लिए जो है वो लैक्टेज एंजाइम होता है, और लैक्टोज को जब तोड़ दिया जाता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर एनर्जी का सबब बनता है, ठीक है। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो डिस्कस किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है, तो इनके अंदर डिफरेंट बच्चे इंजाइम्स हैं उनको आपने याद करना है, और उसको जो है वो आपने अच्छे से रियलाइज करना है कि इसके अंदर जो है उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो लास्ट इसका जो है वो पोर्शन रह गया है ईलियम, ठीक है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।